काली अंधेरी जगह। सदियों से इस काली चादर ने न जाने कितने लोगों को दुविधा में डाल दिया है कि आखिर ये है क्या, कौन बना सकता है ये विशाल ब्रह्मांड जो कि इंसान के समझ के परे है, आखिर किसने ग्रहों को गति में सेट किया, ये दो लाइट बल्ब को किसने उनकी सही जगह पर रखा, ना ही बहुत पास और ना ही बहुत दूर, जीवन मृत्यु और समय ये सब क्या है, क्या इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में बस हम ही अकेले हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे इंसान शायद ही कभी समझ पाएगा। 29 अप्रैल साल 2019 को ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने हमारे सौर्य मंडल से लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर में मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी सोलर सिस्टम से एक अजीब सिग्नल को पकड़ लिया था जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। हर एक दिन धरती में कई जगह मौजूद रेडियो टेलीस्कोप धरती से अंतरिक्ष और अलग अलग प्लैनेट को निरीक्षण करते रहते हैं इस उम्मीद में कि ब्रह्मांड की इस अनंतता में कहीं कुछ मिल जाए जिसके एस्ट्रोनॉमर सपने देखते हैं और डरते भी हैं कि कुछ ऐसा ना मिल जाए। लेकिन धरती में जो सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किया गया सिग्नल जो मिला है वो ये है। छह सालों के कड़ी मेहनत के बाद ऑस्ट्रेलिया के पार्क्स रेडियो टेलीस्कोप ने लगभग 25 घंटों का डाटा कलेक्ट किया जिसका वैज्ञानिकों ने बहुत ही गहराई से जांच की जिसे उन्हें काफी अजीब देखने को मिला। एक बेहद ही अजीब FRB सिग्नल जो उस 25 घंटों की पीरियड के दौरान 5 बार हुआ। इस ऑब्जेक्ट को BLC-1 नाम दिया गया। ये FRB सिग्नल हमारे पड़ोसी स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी से आ रहा था। दोस्तों, सूरज के बाद हमारे सबसे करीब जो स्टार सिस्टम है जहां जीवन का होने का संभावना हो सकता है वहां मौजूद ग्रह का वातावरण बिल्कुल हमारे धरती से मेल खाता है या हो सकता है कि हमसे पहले ही कुछ अजीब वहाँ एग्जिस्ट कर रहा हो। वहाँ से आने वाले सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसीज थी वो करीब 953 मेगाहर्ट्ज की थी। अप्रैल और मई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पार्क्स ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से ब्रेकथ्रू लिसन द्वारा किए गए 30 घंटे के अवलोकन के दौरान रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया था। दिसंबर 2020 तक फॉलो अप अवलोकन फिर से सिग्नल को पता लगाने में विफल रहे हैं। इस BLC-1 सिग्नल के साथ साथ अंतरिक्ष में आए ऐसे कई सिग्नल्स के बारे में हम आगे और बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे और आगे इतिहास से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे कई वीडियोस आने वाले हैं। तो नॉलेज से भरी इस दुनिया के बारे में जानने के लिए द न्यू वर्ल्ड के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।